नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब सूचना में। दोस्तों, DSSB की तरफ से एग्ज़ाम 2022 से जुड़ा हुआ मोस्ट अर्जेंट नोटिस जारी किया गया है, जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है ये, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। और चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको DSSB की तरफ से आने वाली हर छोटी से छोटी अपडेट मिलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो मोस्ट अर्जेंट नोटिस है हमारा ये आंसर की के रिगार्डिंग डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर की फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन एज पर डिटेल गिवन ब्लो। तो यहाँ पे डिटेल दी गई है इन सभी की, जो है आंसर की आ गई है। और यहाँ पे ये भी बताया कि इनका एग्ज़ाम कब कब था, तो देख लेते हैं पोस्ट वाइज। तो सबसे पहले हमारा असिस्टेंट फोरमैन, पोस्ट कोड है 27/21, इसका एग्ज़ाम आपका 20 फरवरी को हुआ था। काउंसलर, पोस्ट कोड 45/21, इसका एग्ज़ाम भी आपका 20 फरवरी को हुआ था। उसके बाद आपका है हेड क्लर्क, पोस्ट कोड है 46/21, इसका जो एग्ज़ाम है आपका वो 21 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में हुआ था। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, पोस्ट कोड है 22/21, इसका एग्ज़ाम आपका 26 और 27 फरवरी को हुआ था। फार्मिस्ट, पोस्ट कोड 19/21, इसका एग्ज़ाम 27 फरवरी को हुआ था। असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइज़र, पोस्ट कोड 29/21, इसका एग्ज़ाम भी आपका 27 फरवरी को हुआ था। तो इन सभी की आंसर की आ गई है, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है आपका वो अवेलेबल रहेगा 1 जून 2022 से 5 जून 2022 के बीच में। 25 यहाँ पे गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है, तो 1/6/2022 से 5/6/2022 के बीच में यहाँ पे आपकी ये अवेलेबल रहेगी आंसर की। ये हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करनी है। तो चलिए चलते हैं DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसे ही हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते ही ये देखिए, सबसे पहले ही आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा है डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर की फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम फरवरी 2022, फॉर पोस्ट कोड 27/21, 45/21, 46/21, 22/21, 19/21 एंड 29/21। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपको कैप्चा लॉगिन करना है। और यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उनके आंसर की यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। तो यहाँ से आप इसे लॉगिन करके आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी DSSB की तरफ से आई हुई लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।